तो सारी पेप्सी मैंने इस थैली में भर दी है, और मैं इसको भी डीप फ्रिज में लगा के और इसका ढक्कन बंद कर लूँगा। और इसका तो फिलहाल मैं आ गया हूँ चार रास्ते पर, और जैसा कि आप देख पा रहेंगे ये जितने भी कार्ट्स हैं, ये अंडे वगैरह हैं, आइसक्रीम वाले, ये टोटल आउटसाइड में बाहर की साइड में रहते हैं। लेकिन अभी जीटी फंक्शन आने वाला है, इसकी लोग आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं सुबह से घर पे ही हूँ और कहीं नहीं गया, क्योंकि आज छुट्टी थी तो मैंने आज छुट्टी रखी हुई है। और आज का ब्लॉग भी मैं बहुत से देर से शुरू कर रहा हूँ, शाम के बज गए हैं 5:30। मैंने ली है बच्चों के लिए पेप्सी, क्योंकि मार्केट में हम लोग लेने जाते थे एक पेप्सी का 2 रुपये लेते हैं, तो ये हमको 1 रुपये की एक पड़ी है, मतलब 50 रुपये में 50 सही है। तो अभी इसको डीप फ्रिज में रख देंगे और बच्चों के लिए जमा के छोड़ देंगे, जिससे बच्चे कभी मांगे तो उनको पता नहीं होगा, तो निकाल के हम लोग उनको दे देंगे पीछे वाले भाग में। और अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पेप्सी है इनको डीप फ्रिज में जमा देता हूँ। तो सारी पेप्सी मैंने इस थैली में भर दी है, और मैं इसको भी डीप फ्रिज में जमा के और इसका ढक्कन बंद कर लूँगा। और इसका ढक्कन ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज हो गया है, इसको मैं वापस जुगाड़ के द्वारा जमा लेता हूँ इसे, जिससे ये कभी गिरेगा नहीं। अभी देखिए फिट हो गया, क्योंकि इसका नीचे वाला भाग है वो टूट चुका है, इसकी वजह से इसको निकालना पड़ता है और वापस पैक करना पड़ता है। तो अभी थोड़ी स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ और बंद कर लेता फ्रिज को। तो अभी मैं जा रहा हूँ पीछे वाला भाग में, तो ये मेरे पीछे वाला गार्डन है हमारा रूम का, तो इसमें पीछे सबके मकानों के पीछे बैकयार्ड बने रहते हैं, तो बहुत से लोग अपनी गाय भैंस पीछे ही बांधते हैं, तो हमारे भी पीछे इधर बनी हुई है, और इधर पड़ोसियों की गायें बंधी हुई रहती है। वहाँ पर पीछे वाली गार्डन में बहुत सारी ग्रीनरी है, वो आप देख पाएंगे। ये एक आशा पाला हुआ है, उधर एक आशा पाला हुआ है, ये एक जामुन है, और ये एक नीम का पेड़ है, कड़ी पत्ता, ये एक और जाम्बू, सामने नींबू, एक नींबू है, एक जाम्बू है, और ये है क्या बोलते हैं इसको, बरगद का पेड़ बोल सकते हैं इसको, और इधर है तुलसी का पेड़। घर से बाहर गोलू को लेके और मैं जाऊंगा गांव में, क्योंकि मैंने वो जो कल कपड़े डाले थे प्रेस में वो लगभग हो गए होंगे, तो उनको लेके आता हूँ। और सुबह से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, तो थोड़ा सा घूम के मूड फ्रेश कर लेते हैं। बोले चले पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भरा दिया, और उस दिन की तरह आज भी वो भाई स्कीम वाले यहाँ पे मौजूद है। तो उस दिन हम लोग उल्लू बना रहे थे, गिफ्ट मिलेगा, और आप लोग नंबर और नाम लिखे आपके, फिर हम लोग पता चला विलेज वाले की तरह से पॉलिसी होती है, आप लोग वो बुलाते हैं, टाइम पर बात करता है, कोई मतलब नहीं उसका। जब भी आप गाड़ी में भराए तो हमेशा गाड़ी को डीजल से ऑन में लेके आइए, क्योंकि गाड़ी अपन लेते हैं तो हमेशा पेट्रोल के अंदर पॉइंट दिखने जरूरी है ब्लिंक होने, क्योंकि आपके डीजल में होगी गाड़ी तो पता ही नहीं होगा, कब भी बंद हो जाएगी पता नहीं पड़ेगा, इसलिए हमेशा ऑन में रखें। क्योंकि अगर अपन इतनी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी रख सकते हैं, तो कम से कम 2-3 लीटर पेट्रोल तो अंदर रखना ही चाहिए। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ चार रास्ते पर, और जैसा कि आप देख पा रहेंगे ये जितने भी कार्ट्स हैं, ये अंडे वगैरह हैं, आइसक्रीम वाले, ये टोटल आउटसाइड में बाहर की साइड में रहते हैं। लेकिन अभी जीटी फंक्शन आने वाला है, उसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि म्यूनसिपालिटी वाले बहुत हैरान कर रहे हैं, और टोटल हम लोग अंदर कर दिया है। तो देखिए पीछे की साइड में यहाँ से रोड से हटाकर इन लोगों को सबको पीछे हटा दिया है, और अभी भी कोई काफिला निकल रहा है। देखिए ये काफिला है, जा रहा है यहाँ से, और ट्रैफिक ब्लॉक कर रखा है इन लोगों ने मेरे स्टैंड के ऊपर, जहाँ पर मैं गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ। लेकिन देखिए इसका भी कोई फायदा नहीं है, तो ये है पेट्रोल पंप की पार्किंग, तो यहाँ पर हम लोग किसी को बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल ट्रक्स पड़े रहते हैं, और जब गाड़ी बाहर खड़ी रहती थी तो कोई ट्रैफिक का इशू नहीं रहता था, लेकिन अभी वहाँ पर नो बोला हुआ है, अगर गाड़ी मैं यहाँ पार्किंग करूँ
यहाँ पर लगाऊँ अगर तो गाड़ी तो लगा सकता हूँ, यहाँ पर स्पेस है मेरे पास, लेकिन ये जो ट्रक्स वगैरह पार्किंग रहेंगे तो किसी को शो होंगे नहीं, और दूर से कोई शो नहीं होगा तो कोई भी ग्राहक अंदर आएगा कैसे। तो इंसान के पास में हर चीज़ का बैकअप होना जरूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो चीज़ के हम सहारे बैठे हैं वो चीज़ अगर ब्लॉक हो जाए तो हम लोग बेसहारे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ का ऑप्शन रखना चाहिए, जैसे कि मैंने तो रखा हुआ लेगा इसकी जगह वहाँ रखी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया, वहाँ भी ब्लॉक कर दिया, तो अभी मैं थोड़ा मजबूर में हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ न कुछ नया जुगाड़ करने के लिए। कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर ला के खड़ी करूँगा, जो होगा चलेगा, दिन तो बढ़ेगा लेकिन मतलब नहीं है, लेकिन 5-7 दिन बहुत परेशानी चलेगी 6 तारीख तक। और अभी हम लोग आया है गाँव में और हम लोगों के लिए किसने प्रसाद, तो मैं गोली को खिला देता हूँ, ए गोली, और थोड़ा समय भी ले लेता हूँ, बड़ी है तो मैंने तोड़ दी इसको। और मैं आ गया हूँ पीछे वाली दुकान पे, जो प्रेस की दुकान है, तो देख लेता हूँ कपड़े हुए कि नहीं हुए। अगली दुकान पे आया था लेकिन प्रेस के कपड़े हुए नहीं है, बोले आधे घंटे बाद में आना, तो अभी हम लोग चलते हैं वापस घर पे। गोली चले आगे, तो गोली इशारा कर रहा है आगे जाना है, कहाँ जाना है, इधर और आगे जाना, तो चलो इसकी चपूरी कर लेता हूँ मंदिर में, तो अभी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। बोलो यहाँ से चलो यहाँ पे आ जाओ, तो चलो आ जाओ, तो यहाँ पे चल रही है साफ सफाई। हम लोग पहले आरती का घंटी बजा देते हैं, और दूसरी घंटी इस तरफ है इसको भी बजा देते हैं। और एक बार गोलू भी इशारा कर रहा है घंटी बजाने का, तो गोलू से भी बजवा देते हैं, बजा और बजा दी, ये वाली बजाएगा, तो गोलू बोल रहा है इसको भी बजवा देते हैं, ठीक है। एक परिक्रमा कर लेते हैं हम लोग, चलो चलो भागो भागो, तो गोलू आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। तो गाइस यहाँ की परिक्रमा हम साइड में एक और मंदिर है देवी माता का, वो भी जगदम्बा का ही है, शेरावाली माँ का, तो अभी फिलहाल उसके अंदर सुनसान रहता है, क्योंकि जब भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर गार्डन के अंदर प्रोग्राम रहता है। तो मैं मार्केट से वापस गांव के रास्ते पर आ गया हूँ, और बाहर में देखिए यहाँ पर बहुत शानदार शानदार फूल खिले हुए हैं, और लाल पीले चारों तरफ कितने गजब गजब के नज़ारे दिख रहे होंगे फूलों के। मैं आया हूँ किचन में, और किचन में देखिए आज बन रही है बाटी और उड़द की दाल, तो सॉरी मसाला पक रहा है अंदर, और मसाले में क्या रंगत आ रही है देखिए शानदार, और बाटी भी एकदम मस्त करकरी बन चुकी है, तो अभी दाल डालने की तैयारी हो रही है। लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी मैं टॉमी को भी खाना खिला लेता हूँ, और टॉमी देखो भाग के आ गया सामने से, और गोलू साथ में ही खड़ा है, इधर आ जा, तो इसको दूध और रोटी रख देते हैं, चल गोली अंदर आ जा, चलो चलो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।